ऐसे कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है, जो इसका राइट आंसर है कि उनमें हमेशा एट द रेट का चिन्ह होना चाहिए और ईमेल में कभी कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है। ए ऑप्शन कोई भी अंतर नहीं है। बी, सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करता है जो पहले से किसी स्थान में संग्रहित है। सी, सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। डी, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल जो है वो एमएस वर्ड में नहीं है। ए सबस्क्रिप्ट, बी बोल्ड, सी रेगुलर और डी इटैलिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबस्क्रिप्ट जो है वो एमएस वर्ड में एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्तावेज को छापने के लिए यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो है वो कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि टेबल बनाते समय ब्रैकेट में एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर खालिस्तान के जैसा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंसिल के जैसा दिखाई देता है। यानी कि जब हम एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं तो उसमें माउस का जो पॉइंटर होता है, एरो का निशान, उसमें वह जो है वो एक पेंसिल के निशान की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप जो है वो नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, HTML जो है वो फाइल प्रारूप जो है वो पावर पॉइंट में एक फाइल बनाते समय नहीं जोड़ा जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जो है वो जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एम के द्वारा हम पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में एक नई स्लाइड को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ASCII का विस्तारित रूप है, यानी इसमें आपको ASCII की फुल फॉर्म बतानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें आपको ASCII की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। यानी कि दोस्तों आधुनिक कुंजी पटल यानी कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या जो है वो F1 से लेकर F12 तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप है, यानी इसमें आपको GUI की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, GUI जो है उसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो है एक। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप, इसमें आपको DIMM की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में BMP छवियों इमेज का क्या तात्पर्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिटमैप। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। ए स्पीकर, बी प्लॉटर, सी मॉनिटर और डी ALU। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है इनमें आउटपुट इनपुट युक्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है, यानी इसमें आपको HDMI की फुल फॉर्म बतानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, RSCIT एग्जाम में हर बार जो है वो 2 से 3 जो है वो फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप इन फुल फॉर्म को जरूर रटें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न है, TCP/IP का विस्तारित रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
और आईपी का मतलब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पे टीसीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पर्सन है, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी विंडो में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए इस खालिस्तान फंक्शन कुंजी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी F2, यानी किसी फाइल या दस्तावेज का नाम चेंज करने यानी रीनेम करने के लिए F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्लैश के कार्य हैं, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, बी प्रक्रिया मैनेजमेंट, सी फाइल मैनेजमेंट और डी उपरोक्त सभी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सभी कार्य हैं। नेक्स्ट पर्सन है, बाइनरी प्रणाली में 8 को खालिस्तान के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 1000 के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन है, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए भंडारण हेतु, यानी कि स्टोरेज को इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट पर्सन है, बारकोड रीडर है, ए इनपुट युक्ति है, बी आउटपुट युक्ति है, सी प्रसंस्करण युक्ति है, डी भंडारण युक्ति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारकोड रीडर जो है वो BCR यानी कि बारकोड रीडर जो है इनपुट युक्ति है। दोस्तों इसमें आपसे BCR यानी बारकोड रीडर की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार है, HTML का विस्तार रूप है, यानी इसमें आपको HTML की फुल फॉर्म बतानी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट पर्सन है, टिम बर्नर्स ली द्वारा दिया गया अवधारणा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए www. यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो टिम बर्नर्स ली द्वारा दी गई अवधारणा है। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी AS400 जो है वो भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, परम और अनुराग जो है वो भारत के सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट पर्सन है, SATA का विस्तारित रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट पर्सन है, मोडेम का विस्तार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, यानी मोडेम की जो प्रक्रिया है वो उसमें मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन दोनों ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पर्सन है, MICR का विस्तार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पे आपको R की जगह रिकॉग्निशन की जगह रीडर भी मिल सकता है। नेक्स्ट पर्सन है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैकस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से है कि MS Excel प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई जो है वो मापी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंच में, यानी MS Excel में जो खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई जो है वो इंच में मापी जाती है। नेक्स्ट पर्सन है, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस ए के द्वारा जो है वो किसी भी दस्तावेज की सभी सामग्री को जो है वो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, इनमें से कौन सा MS Office का वैध संस्करण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MS Office 2005 जो है वो MS Office का एक वैध संस्करण नहीं है। नेक्स्ट पर्सन है, इनमें से कौन सी कीज जो है वो वर्तनी और व्याकरण की जांच को सक्रिय करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F7 के द्वारा जो है हम किसी भी वर्तनी और व्याकरण की जो है वो मात्राओं की जांच जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, क्वाइट्री इज एसोसिएटेड विथ,
क्वेश्चन नंबर 34 में जो क्वेट्री जो है वो संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेट्री जो है वो कीबोर्ड से संबंधित है, यानी कीबोर्ड का एक अन्य नाम जो है वो क्वेट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCI का जो है वो विस्तारित रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PCI की फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो दोस्तों ये थे RSCIT के जो कल 2 सितंबर को एग्जाम होने वाले हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सके हैं हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बाद जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।